Assalamualaikum, मैं जुलेखा अरफान जुलेखा किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं एकदम ऑथेंटिक मुरादाबादी बिरयानी। एक्चुअली से मुरादाबादी यखनी बिरयानी भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं, सादा ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए एक कुकर के अंदर तेल डाल दीजिए और चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। तेल आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ बिरयानीज में। ये गरम मसाले हैं, ये है 2-3 तेज पत्ते, 1 टेबलस्पून सौंफ, 10 काली मिर्च, 1 बड़ी डंडी दालचीनी की, 10 लौंग, आधा छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 चक्रफूल कहते हैं या उसे बादियान भी कहते हैं, वो डाल दीजिए सारा गरम तेल के अंदर और इसे मिक्स कर लीजिए। और ये गरम मसालों को थोड़ा सा तेल में तड़तड़ा जाने दीजिए। जब अच्छे तड़तड़ा जाए तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस करके रखी है, ये तीनों डाल देती हूँ और इसे भी फास्ट आंच पर डालकर फ्राई कीजिए। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती, हमें ज़्यादा डार्क नहीं करनी है, नहीं तो हमारी इसकी जो यखनी है ना थोड़ी सी कड़वी हो जाएगी, ज़्यादा फ्राई हो जाएगी हमसे प्याज। तो देखिए ये चलिए लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को ऐसे पहिए शेप में काटकर यहाँ डाल दिया है। 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दीजिए। फास्ट आंच पर बार बार चलाते हुए आधे एक मिनट तक भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक ये जो अदरक लहसुन के पेस्ट की जो कच्चेपन की खुशबू है वो नहीं चली जाती। बस जैसे ही आधा एक मिनट हो जाए तो यहाँ पर मैंने 750 ग्राम मतलब 750 ग्राम गोश्त को चर्बी निकाल लिए है, साफ़ कर लिया है, 2-3 पानी से धो के नितार कर मैंने ये गोश्त डाल दिया और इसे चला लीजिए एक बार। चूल्हा फास्ट पर ही है, थोड़ा नमक भी डाल दीजिए और इसे चलाते हुए बार बार फ्राई कर लें गोश्त को। तब तक फ्राई करें जब तक है ना ये जो मटन का कलर नहीं चेंज हो जाता, तब तक इसे फास्ट आंच पर फ्राई कीजिए। जब तक गोश्त फ्राई हो रहा है यहाँ पर मैं एक जो मसाले हैं थोड़ा कूट लेते हैं क्विकली। उखल के अंदर यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1 जावित्री, आधा छोटे चाय का चम्मच साबुत जीरा, 5-6 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 डंडी दालचीनी की और छोटा सा टुकड़ा 1/4 टुकड़ा ही है जायफल का। ये सारा डालकर बहुत अच्छे से दरदरा सा कूट लीजिए। कूटेंगे तो ज़्यादा बेटर टेस्ट है, लेकिन अगर आप चाहें तो मिक्सर जार के अंदर थोड़ा सा ही घुमाइएगा तो वो भी थोड़ा सा दरदरा हो जाएगा, बट बेस्ट है आप उखल से कूट कर डालेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए ये मैंने कूट लिया, इसे साइड पर रख देते हैं। चलिए ये गोश्त तकरीबन हो चुका है, आप देख सकते हैं कलर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और पानी भी आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक इसका सूख चुका है। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 10 जो मिर्चियाँ थी हरी मिर्चियाँ, उसको मैंने पेस्ट बनाकर इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो कूट कर भी डाल सकते हैं। इसे एक बार चला लीजिए। चलाने के बाद यहाँ पर ना मैं 1 कप जितनी दही उसे भी डाल देती हूँ और उसे भी बार बार चलाते हुए फास्ट आँच पर फ्राई कीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक है ना ये जो दही है ना ये इसका जो पानी है ना ये सूख नहीं जाता ऑल द मोस्ट, और हल्का हल्का तेल ऊपर आना शुरू नहीं होता, तब तक इसे फ्राई कीजिए। बार बार चलाते रहिएगा, चूल्हा फास्ट आंच पर ही है। जब ऑल द मोस्ट सूखने लगे, आपको लगे इसका पानी, तो ये जो हमने कूट के रखा था मसाला ये डाल दीजिए गरम मसाला, और इसे भी एक बार चला लीजिए और पकने दीजिए, क्योंकि देखिए अभी भी पकना बाकी है। ये देखिए जब कलर इस तरीके से चेंज हो जाए और आप देखिए हल्का हल्का तेल छूटने लगा है ऊपर और हमारा दही भून चुका है, तो इसमें डाल दीजिए 1 कप जितना पानी। अच्छा मैंने ये पानी है ना जो मिक्सर जार जिसमें मैंने हरी मिर्चियाँ पीसी थी उसी में डालकर चलाकर इसमें डाल दिया। एक बार मिक्स कर लीजिए, नमक अगर आपको लगे तो एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि स्टार्ट में हमने थोड़ा ही डाला था, और इसे एक बार चला लीजिए फिर से ढक कर इसे फास्ट आंच पर 1 सीटी खिला लीजिए। जब 1 सीटी हो जाए तो स्लो आंच करके तकरीबन समझिए ना 12-13 मिनट तक पकने दीजिए स्लो आंच पर। तकरीबन 13-14 मिनट हो गए थे, मैंने चूल्हा कर दिया था बंद और इसका अच्छा कम्प्लीटली प्रेशर निकल गया, तो मैं यहाँ खोल कर चेक कर लेती हूँ। देखने से ही मुझे लग रहा है कि गोश्त गल चुका है, आपको चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, पतीली जिसमें बघारने जा रही हूँ बिरयानी, उसमें ये सारा जो गोश्त का ये ग्रेवी के साथ है ये सारा डाल देती हूँ। अच्छा आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ग्रेवी है तो आप सूखा भी सकते हो, मुझे परफेक्ट लग रही है। हाँ अच्छा यहाँ पर मैंने हरी मिर्चियाँ कम थी तो मैंने पीस कर नहीं डाली है, थोड़ी सी ऐसी स्लिट मारकर डाल रही हूँ 5-6,
और थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए इसके अंदर। अच्छा, गोश्त को मैंने थोड़ा फैला कर डाला है सो दैट चारों ओर गोश्त मिले, नहीं तो पता चलता है एक ही साइड पे पड़ा है। अच्छा, अब मैंने है ना चावल तकरीबन 750 ग्राम्स बॉईल करके ले लिए हैं। उसमें गरम पानी के अंदर मैंने नमक डाला, गरम मसाले डाले, हरी मिर्चियाँ, कोथमीर, थोड़ा सा तेल, ये सब डालकर अच्छे से बॉईल कर लिया। अच्छे बॉईल हो गए तो 95 to 97% अच्छे बॉईल हो गए तो मैंने इसे छान कर साइड पर रख दिया था। अब ये इसके ऊपर डाल दीजिए हमारे पके हुए बॉईल करे हुए चावल। और उसके बाद ये जो चावलों का पानी था ना 1/3 कप मैंने निकाल के साइड पर रखा था, वो भी मैंने डाल दिया इसको के हाथों की मदद से डाल दीजिए सो दैट चारों ओर फैल सके। 1/3 कप मैं यहाँ पर दूध भी डाल रही हूँ, इसी तरीके से हाथों की मदद से फैला कर डाल रही हूँ। दूध से क्या होता है ना, हमारे ये जो चावल है वो खिले खिले से होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने ऑरेंज फूड कलर भी डाला है और इस बार मैं दो कलर डाल रही हूँ, आप एक भी डाल सकते हैं। ये था, दूसरा वाला कलर था केसरी कलर। अब चारों ओर मैं अच्छे से 2-3 टेबल स्पून जितना असली घी डाल देती हूँ, थोड़ा सा गिर गया सॉरी। और इसके ऊपर बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए यानी कि हरा धनिया। और इसके नीचे है ना मैं सबसे पहले तो गरम करा हुआ तवा रख देती हूँ, ये अच्छा गरम करा हुआ है। और चूल्हा चालू कर दीजिए स्लो आंच करके। ये जो हमारा हमने ये सारा जो तेल लगा दी है हमारी बिरयानी की, ये रख दीजिए, ढक्कन ढक दीजिए और उस पर कुछ वजन रख कर तकरीबन 15-20 मिनट तक इसे पकने दीजिए स्लो आंच पर। 20 मिनट हो गए थे, मैंने चूल्हा कर दिया था बंद। सबसे पहले तो नीचे से तवा हटा दीजिए और ढक कर एज इट इज रहने दीजिए वजन रखा हुआ। 10-12 मिनट के बाद इसे खोलिए और ये बन गई हमारी बढ़िया सी मजेदार डिलिशियस, हमारी ऑथेंटिक बावर्ची स्टाइल कहिए, मुरादाबादी यकनी बिरयानी। बहुत ही डिलिशियस, बहुत ही टेस्टी है, आप उंगलियां चाटते रह जाओगे, इतनी डिलिशियस है। अब इसे गर्मा गर्म प्लेट के अंदर निकाल लें सर्विंग डिश के अंदर और इसे आप सर्व कीजिए। ऑथेंटिक मुरादाबादी बिरयानी ना ड्राई होती है हा? और फ्लेवर्स अच्छे होते हैं, मसाले कम होते हैं, अच्छे फ्लेवरफुल होती है। बट आप देख सकते हैं कि हल्की मैंने यह ना मसाले वाली रखी है क्योंकि मैं मुंबई की हूँ तो हमें थोड़ा मसाला चाहिए होता है। अच्छा, आपको एकदम ऑथेंटिक बनानी है ना तो आप दम पे है ना 20 मिनट के बजाय 25 मिनट रहने दे सकते हैं और उसके बाद आप तवे को नीचे से हटाइएगा मत। 5 मिनट तवे पर, जब चूल्हा बंद कर देते तो तवे पर ही रहने दीजिएगा, तो उससे क्या नीचे का जो मसाला है और ड्राई आउट हो जाएगा। वैसे मैं इस बिरयानी को ना वो जो कचुंबर आता है ना हमारा रेगुलर वाला, जो प्याज टमाटर खीरा डाल के हम कचुंबर बनाते हैं, उसके साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो सीख कबाब वाली जो हरी चटनी आती है, जो हम दही वाली बनाते हैं, उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। वैसे उस वाली चटनी की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। वैसे कुछ बिरयानीज की रेसिपीज मैंने मेरे चैनल पर बनाई है, सारा प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। हरी मिर्चियाँ स्पाइस इस वाली रेसिपी में कम या ज़्यादा आप आपके स्वाद अनुसार कर सकते हैं। तो ये बन गई हमारी कम मसाले में बट बहुत ही उम्दा, जबरदस्त, डिलिशियस, ऑथेंटिक मुरादाबादी यखनी बिरयानी। तो है ना मजेदार रेसिपी आज की। अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दीजिए ये वाली वीडियो को, उससे ज्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।